मेरा नाम अल्पा शाह है। रमजान महीना आते ही एक बहुत ही बेहतरीन शरबत बनाया जाता है, वो है मोहब्बत का शरबत, जो पुरानी दिल्ली और मुंबई में बहुत ही फेमस है। तो आज मैं वही रेसिपी लाई हूँ बनाने का, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही रिफ्रेशिंग, और इसे एकदम चिल सर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैंने आधा लीटर जितना कच्चा दूध है, मैंने इसे उबाला नहीं है, और फुल फैट मिल्क है। जैसे ओरिजिनली बनाया जाता है मैं वैसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन दूध चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून जितनी पीसी हुई चीनी। इसके साथ ही डालूंगी 2 टेबलस्पून रोज शरबत, रूह अफजा या रोज सिरप, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे, चीनी को अच्छे से घुल जाए तब तक मिक्स करेंगे। देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें डालेंगे मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालूंगी। ये बहुत ही चिल्ड सर्व किया जाता है गर्मियों में राहत देने के लिए। अच्छे से चीनी घुल चुकी है। इसके साथ ही ये है 1 कप जितने खरबूजा, जो तरबूज कहते हैं जिसे, या कलिंगर वाटरमेलन, इसके 1 कप जितना है। मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। देखिए बहुत ही मजेदार ऐसा हमारा मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। पुरानी दिल्ली में उसे ग्लास में सर्व किया जाता है, लेकिन मुंबई में इस तरह से कलिंगड़ के बेस में ही इसे सर्व किया जाता है। मैंने कलिंगड़ छीलते समय इस तरह से आधा कट कर लिया है, नीचे बेस के लिए थोड़ा सा अच्छे से बैठ सके ये कप की तरह, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कट कर लिया है ताकि ये अच्छे से बैलेंस में रह सके। ये देखिए बहुत ही रिफ्रेशिंग चिल ठंडा हमारा मोहब्बत का शरबत बनके तैयार है। मैंने सर्विंग में भी ले लिया है। थोड़े से और बर्फ के टुकड़े डालूंगी, और अगर आप चाहें तो थोड़े से बादाम और काजू भी डाल सकते हैं। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा इन गर्मियों से बचने के लिए मोहब्बत का शरबत। अपने को अपने आप भी पीजिएगा और अपनों को भी पिलाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।